तिश्नगी अब हो जाए, तिश्नगी अब हो जाए, बादनोशी सवाब हो जाए। तुम अगर मुस्कुरा के जाम भरो, सादा पानी शराब हो जाए। मुलाजा हो, साकी से बढ़ के जाम लिया और पी गए जब हमने ये सुना के ये पीना हराम है, अल्लाह मियां का नाम लिया और पी गए। देखिए डॉक्टर बशीर बद्र साहब कहते हैं, क्या बात है, देखिए मतलब आपको पसंद आएगा। पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी, बना लेगा बहता हुआ पानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। लगाओ पानी 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 बहता हुआ पानी है। फरीद अयूबी जयपुरी कहते हैं, मैं खाने की है साफी रुत ऐसी सुहानी है, मैं खाने की है साफी रुत ऐसी सुहानी है, मैं खाने की है साकी रुत ऐसी सुहानी है, हर एक के सागर में अंगूर का पानी है, हो हर एक के सागर में अंगूर का पानी बद्र साहब कहते हैं, क्यों चांदनी रातों में दरिया में नहाते हो, क्यों चांदनी रातों में दरिया में नहाते में दरिया में नहाते
लगानी है। हो सोए हुए पानी में क्या आग लगानी है। पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। पत्थर के जिगर देखिए क्या शेर आदम साहब कहते हैं मुलाजा हो देखिए उलट फिर देखिए। जब देख के छुपते थे जब देख के छुपते थे अब देखते हैं छुप के। जब देख के छुपते थे अब देखते हैं छुप के। जब देख के छुपते थे अब देखते हैं छुप के। वो दौर लड़कपन दौर जवानी है। हो वो दौर लड़कपन था ये दौर जवानी साथ। इस जहन परीशां में एक फूल सा चेहरा है। इस जहन परीशां में एक फूल सा चेहरा है। इस जहन परी पत्थर की हिफाजत में शीशे की जवानी है। पत्थर की हिफाजत में शीशे की जवानी है। आखिरी शेर जदीद रंग में अब्बास दाना साहब का पेश है लाओ। मुमकिन ही नहीं मिलना मुमकिन ही नहीं मिलना। तू शम्मा में सूरज हूँ मुमकिन ही नहीं मिलना। तू शम्मा में सूरज मैं दिन का मुसाफिर हूँ तू रात की रानी है। मैं दिन का मुसाफिर हूँ तू रात की रानी है।
का मुसाफिर हूँ, तू रात की रानी है, तू रात की रानी है, तू रात की रानी है, तू रात की रानी है। ये बहुत खूबसूरत इन्होंने मुख्तलिफ शायरों के कलाम का मजमुआ एक साथ सुनाया, जिसके लिए जितनी भी दाद दी जाए कम है। लेकिन शायर और शायरी का अजीब हाल है, कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ नहीं समझ में आती। एक बात मेरी समझ में आई, एक नहीं आई, वो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। इन्होंने बीच में एक बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा, इतना खूबसूरत कि मैंने लिख लिया था कि भूल ना जाऊँ, कि क्यों चांदनी रातों में दरिया में नहाते हो, क्यों चांदनी रातों में दरिया में नहाते हो, बहते हुए पानी में क्या आग लगानी। तो इसमें एक बात मेरी समझ में आई कि मेरे भाइयों ने बहुत खुश होकर ताली बजाई, एक बात समझ में नहीं आई कि मेरी बहनों ने क्या सोच के ताली बजाई। इस गुस्ताखी के लिए बिस्मिल्लाह। देखिए, बहनों ने ताली इसलिए बजाई कि एक ये होती है गजल और एक होती है उसकी अदायगी। जो उसकी अदायगी थी इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि हम लोग ताली बजाए बिना ना रहे। तो बात एक बार ताली। कौन सा शेर? क्यों चांदनी रातों में दरिया में नहाते हो। पहले तो ये शेर सुना देते हैं आपको, इसको ही फिर लौट फेर किया है, जरा उसको भी मिला कर सुनाइए। क्यों चांदनी रातों में दरिया में नहाते हो, क्यों चांदनी रातों लॉर्ड फेयर मिला फरमाए। आज दूसरी तरह कैसे लगती है? कश्मीर की वादी में बेपर्दा जो निकले हो, कश्मीर की वादी में बेपर्दा जो निकले हो, वादी में बेपर्दा जो निकले हो, बर्फीले पहाड़ों में क्या आग लगानी है, बर्फीले पहाड़ों दूसरी गजल पेश है मिलावा फरमाए। अब्बास दाना साहब की यह गजल पेश खिदमत है।